राइड शुरू हुई नहीं, लेकिन सारा सामान वगैरह बांधने में पसीने अभी से आ गए। ये हमारा होटल था जहाँ पे हमने सोलन में स्टे किया था रात को। अब यहाँ से आगे जा रहे हैं सिटी हार्ट रेजिडेंसी, फोन नंबर इसके अंदर है। रूम्स ओके थे, 1000 रुपी पर रूम के हिसाब से हमने 2 रूम ले लिए थे। और ये रास्ता है जो कि यहाँ सोलन की तरफ आता है, और इधर से हम आगे की तरफ जाएंगे अभी। तो एक बार और होटल देख लीजिए, यूको बैंक के ऊपर है, आपको ढूंढना आसान रहेगा। सबकी बाइक रेडी है और सारी बाइक्स, पर फाइनली सुधीर की बाइक रेडी होने बाकी है। हम लोग वार्म अप कर रहे हैं अपनी बाइक को, और उसके बाद लगभग 10 मिनट में निकल लेंगे आगे की तरफ। Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. सोलन से जब अपन नारकंडा जाते हैं तो ये 2 लेन का रोड है। लगभग 3-4 घंटे अपन को वहाँ पहुँचने में लगेंगे अगर आराम से चल रहे हैं तो। अगर आप तेज़ चला रहे हैं तो हो सकता है जल्दी भी पहुँच जाएँ, लेकिन 2 वे लेन होने के कारण हम प्रेफर करेंगे कि आप धीरे धीरे ही चलाएं, आराम से वादियों का और मौसम का मज़ा लेते हुए। बीच में एक सतलज व्यू आता है, वहाँ पर भी हमने आधे घंटे रुककर जो लोकल फ्रूट्स वगैरह होते हैं जैसे कि लीची, आलू बुखारे, वो सब लिए थे और व्यू एंजॉय किया था। इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ ड्राइव ही करते रहें, आप आराम से रुकिए और आसपास के जो लोकल नज़ारे हैं उनका मज़ा लीजिए। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मेंटेनेंस का काम हो रहा है, उसके लिए पानी किसी भी झरने से ही इस तरह से टैंकर भरा लेते हैं और काम हो जाता है। यहाँ रुके हम थोड़ा चाय पानी पीने के लिए, अब इसके बाद सीधे चिटकुल से पहले ये हमारा आखिरी स्टॉप है यहाँ पे, जिसको चाय पानी पीना है पी लेगा, और उसके बाद हमें 2 घंटे राइड करनी है और उसके बाद सीधे चिटकुल रुकना है। चलो ये जाएगी देखा। वो याद रखोगे और रात को जागना वहाँ पे वो प्रॉपर गैलेक्सीज दिखते हो। टापरी पहुँच गए हैं, यहाँ से 50 किलोमीटर रह गया है चितकुल, और लगभग 2 घंटे में लग जाएंगे। 80% रोड कंडीशंस अच्छी हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं मिला, बस हम थोड़े आराम आराम से जगहों को एंजॉय करते हुए आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। फाइनली आ गए हैं हम अपने रिसोर्ट में, लगभग 900 किलोमीटर राइड करने के बाद। चिटकुल अभी भी नहीं आया है, हम अभी रक्षम में ही रुके हुए हैं, और यहाँ पे लोकेशन काफ़ी अच्छी है तो यहाँ पे हम टेंट लगाएंगे।